दोस्तों आज बताने वाला हूं मैं कैसे बनाते हैं दिस ऑमलेट। तो सबसे पहले दो या तीन अंडे ले लीजिए, ये है प्रोटीन रिच। दिक्कत आती है इसको तोड़ने में, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे सही तरीका क्या? हाँ, ये सही तरीका लग तो नहीं रहा, पर ठीक है, इसको हम फोन रख के तोड़ के फिर वीडियो बनाएंगे। छेद कर लिया, अब यहां में उंगली डाल के इसको तोड़ना है। ओहो, गिर गया। ये आप एक ही हाथ से कर सकते हो, ऐसे। देखिए, ये तोड़ लिया है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। कटा हुआ प्याज इसमें डाल दिया। लोग इसमें चीज भी डालते हैं, बट अगर थोड़ा हेल्दी बनाना है तो चीज को अवॉइड करो। एंड इसमें हम नमक, थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे, स्प्रिंकल करके डालो, थोड़ी सी लाल मिर्च। ओके, बहुत से लोग अवॉइड करते हैं ये चीज करना, बट दैट इज मस्ट। आपको अच्छे से इसको मिलाना है, जल्दी जल्दी में इसको अवॉइड मत करना। और जितना आप इसको मिलाओगे उतना आपका ऑमलेट फ्लफी बनेगा। कुछ कुछ लोग इनो भी डाल देते हैं, बट अवॉइड करो, जाना पेट में ही है। अब ये नॉनस्टिक तवा ले लो, ट्राई नॉनस्टिक ही लेना क्योंकि ऑयल कम लगेगा और ये पानी है, ऑयल नहीं है। अब इसमें हल्का सा ऑयल बटर जो डालना है वो डालो, मतलब इतना, लेस देन 1/4 ऑफ स्पून, ठीक है। अब इसको इसको हिला लो, थोड़ा गरम होने दो। फिर इसमें हम डालेंगे हमारा अनियन वाला बैटर। कुछ ऐसा सा हो गया, इसको आप ऐसे हिलाओगे तो ये मूव करने लग जाएगा। अगर आपको ज्यादा थोड़ा स्टाइल मारना है तो आप इसको हाथ से मतलब ऐसे पलट सकते हो, इफ यू हैव दैट कैलिबर। तो क्या कहते हो, पलटे ट्राई करें, मतलब सब ये गिर ना जाए। चलो तो ट्राई करते हैं। ओ वाओ, एक और बार ट्राई करते हैं। ओ वाओ, दिस वाज परफेक्ट। तो लगभग पीछे से भी कुक हो गया ये, तो इसको आप प्लेट में डालो और खा लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये कलाबाजी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं बार बार ऑमलेट, दाल, चावल सबके साथ ये कलाबाजी कर लूँगा।